अगर देखो मुझे लड़की मिल जाएगी, मेरा काम भी अच्छा है, तो फिर एक काम करते हैं यार, तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ प्लीज। क्या हो गया क्यों? अब देखो इतना तो समझो ना प्लीज। देख लो मैं तुम देखो मैं अपने पैरों में चलता किसी के, यार कर लो यार प्लीज ना यार, मुझे तुम ही चाहिए यार गर्लफ्रेंड, नहीं मुझे यार प्लीज। फालतू की चीजें मत करो यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्या वो यहीं पे है ना? मैं बोल क्या, अरे वो है नहीं यहाँ पे, सुन तो लो अभी। हाय आ रहे हैं वो? वो तो बोले थे यहीं पे। हाँ वो भी बाहर ही गए हैं काम से, बैठ जाओ। इसको बंद कर लो। हाँ कुछ नहीं यार। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं यार। तुम्हारे शूट थे क्या? अरे हाँ यार परेशान हूँ मैं दो दिन से बहुत। क्या हुआ बताओ। क्या हुआ बताऊँ? कुछ नहीं यार, मेरा ब्रेकअप हो गया था 2 महीने पहले, और मुझे ना मतलब मैं तभी से बहुत परेशान हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। तब से तो परेशान हूँ, तो क्या हुआ? ठीक है कोई नहीं। अरे नहीं यार मैं मतलब बहुत मिस करता हूँ उसको, समझ नहीं आता यार क्या करूँ। तो क्या हुआ, और भी लड़की मिल जाएंगी? परेशान नहीं मिल तो जाएंगी, लेकिन मतलब तुम पता है ना कि यार वो मतलब बहुत टाइम से मतलब कि लॉन्ग टाइम रिलेशन था हमारा, और वो अचानक से चली गई यार, और मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है उसकी। और क्यों बात नहीं फिर उनसे, क्या हुआ था? नहीं यार उसने ना बस छोड़ो अब क्या बताऊँ, ब्रेकअप कैसे हुए कुछ नहीं यार, मतलब मैं ना मेनली उस पर बह रह नहीं पाता, मैं उसके ना मैं वेट करता रहता हूँ उसका, कि जब भी अभी मतलब मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए बस, मुझे नहीं पता वो चाहे 1 साल बाद आए 2 साल बाद आए, मुझे उम्मीद है पता नहीं क्योंकि यार वो आ जाएगी, 6 साल हो जाए 10 साल लग जाए मैं उसका वेट करूँगा यार। तो ब्रेकअप किस बात पर हुआ था, क्या हुआ था? कुछ नहीं यार पता नहीं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उसने बॉयफ्रेंड बना लिया और सब ख़त्म हो गया यार अचानक से। और उससे अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी? नहीं यार मिल तो जाएंगी यार, लड़कियाँ तो बहुत मिल जाएंगी, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, लेकिन समझ नहीं आता ना, देखो उससे ट्रस्ट था एक दूसरे पे, बहुत लॉयल थे एक दूसरे के लिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ। कोई नहीं ऐसा, बहुत मिस करता हूँ यार मैं उसे बहुत ज़्यादा। अरे कोई नहीं यार, मूव ऑन कर जाओ, अब उसने भी नया बॉयफ्रेंड बना लिया है और लड़के आपको मिल जाएंगे। कोई नहीं यार उसने बना लिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन उसे जब वो चीट करेगा ना उसको, तो या मेरी याद ज़रूर आएगी और मेरे पास ही आएगी, वो देख लेना तुम ज़रूर आएगी यार वो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी वीडियोज बनाती हूँ, इतना काम करती हूँ, और इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी और इवन बहुत अच्छा रिलेशन होगा तुम्हारा फिर आगे। चाहिए तो यार, लेकिन मुझे और कोई चाहिए नहीं, मुझे दुनिया में जो कितनी लड़कियाँ मतलब कोई भी लड़की नहीं चाहिए मुझे, कोई भी बस वो ही चाहिए मुझे, मैं उसी को प्यार करता हूँ यार। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार, दो महीने मैं रोज डेली पता रोज डेली एक एक पल एक एक मिनट उसके लिए परेशान रहता हूँ यार। कोई नहीं, इतना कोई वो नहीं होता, उसने भी नया बॉयफ्रेंड बना लिया, उसको नहीं फ़र्क पड़ता, ये सब वैसे भी बेकार की चीज़ें होती हैं, अपना काम करो अच्छे से मेहनत करो, सब सब हो जाता है लाइफ में। यार फिर भी एक पार्टनर तो ज़रूरी है ना लाइफ में, जैसे हमारे मॉम डैड हैं, हम उनसे वही बातें शेयर कर पाते हैं जो हम उनके लिए होती हैं, है ना, ऐसी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड होगा, तुम उससे वही तो बातें शेयर करोगी जो तुम अपनी पर्सनली कर सकती, तुम दोस्त से नहीं कर सकती, मॉम डैड से नहीं कर सकती, तो पार्टनर होना ज़रूरी है लाइफ में। और अब मुझे यार मैं तो सोच रहा हूँ पता नहीं आएगी तो ज़रूर वो, मुझे कन्फर्म। इस पर तो परेशान मत, अब जो हो गया छोड़ो उसको, वो नहीं ऐसे वो। तो फिर एक काम करते हैं ना यार, अगर देखो मुझे लड़की मिल जाएगी, मेरा काम भी अच्छा है, तो फिर एक काम करते हैं यार तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे नहीं पागल हो गए, ये सब तो कुछ नहीं है, ये क्यों तुम अभी उसके पीछे इतना परेशान हो, जब मेरी एकदम से ये ऐसे ये सब कुछ नहीं है, मैं रिलेशनशिप वगैरह में नहीं। अभी तो तुमने बोला ना यार कि इतने अच्छा दिखते हो, काम अच्छा है तुम्हारा, तुम्हें मिल जाएंगी, और ये थोड़ी बोला कि मैं मिल जाऊंगी। यार तुम भी तो लड़की हो ना,
अभी तुम देखो देखो अभी तुम मुझे इतना समझा रही हो, तुम मुझे समझ भी चुकी हो, इतनी देर में तुमने बोला मूव ऑन कर लो, तो मेरी सारी फीलिंग समझ गई कि यार बंदा परेशान है, तो तुम मेरे से रिलेशन में आ जाओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं कुछ जानता हूं एकदम से ये सब, मैं रिलेशनशिप वगैरह में। अभी तो तुम मुझे समझा रही थी, मैंने इसलिए तुम्हें बोला कि देखो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा और हो सकता है तुम मुझे समझ रही हो। और अच्छी नहीं, मुझे तुम ही चाहिए यार अब, और अच्छी लड़की मिल जाएगी, मुझे तुम ही चाहिए अब मुझे, और मैं ना उसको मैं अभी भूल जाऊंगा दो मिनट में ही, बस तुम मुझे तुम चाहिए। तो अभी तो तुम बोल रहे थे तो मैं दो महीने से इसकी याद आ रही है, ये है वो है, और कोई बात नहीं अब, लेकिन क्या नाम है, अब क्या हो गया, निकल गया सारा प्यार? देखो मैं बताऊँ तो मैं सच सच बताऊँ, थोड़ी सी फीलिंग्स ना, थोड़ा सा ना थोड़ी सी फीलिंग्स, कल जब तुम आई थी ना शूट पे भैया के साथ, तो जब वो शूट कर रहे थे हम मेट्रो वाला, मैं जब से तुम्हें देखा जब से तुम ही दिखे जा रही थी मुझे, हालांकि मुझे उसकी याद आती है लेकिन वो ना कल से मैं भूल गया, उसमें उसको तुम ही दिख रही थी, हमने सोचा तुमसे बात कर लूं, मैंने सोचा उसकी याद आ रही है, तुम उसके लिए वेट कर रहे हो, बस वही चाहिए ये सब बोलते, अब निकल गया सारा प्यार, हो गया सब। अरे मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अब मैंने बोला मुझे तुम ही चाहिए, समझा करो, ये सब मत करो प्लीज, क्यों पागल हो क्या, समझा करो ये सब मत करो, मैं रिलेशनशिप यार बन जाओ ना, मेरी गर्लफ्रेंड में हाथ जोड़ रहा हूं यार प्लीज, मैं रिलेशनशिप वगैरह में आऊंगी, ये सब क्या हो गया, क्यों अब देखो इतना तो समझो ना, मैंने बोल दिया मैं नहीं आऊंगी, क्यों नहीं मान रही हो मेरी बात, लड़कियां मिल जाएंगी मुझे, तुम ही चाहिए अब, मैंने देखो तुम मुझे समझ रही हो ना, मैंने बोला तुम मुझे हर जगह तुम ही दिख रही थी कल से, लेकिन मुझे मैंने तो सोचा था कि तुम्हें बताऊं, मैंने सोचा तुम, मैं परेशान था, तुमने पूछा मैंने बता दिया, लेकिन अब तुम समझ नहीं, तुमने मुझे समझाया अभी, और अभी देखो तुमने बोला अभी इतने काम, इतने मेरा काम अच्छा है और तुम अच्छा दिखते हो, प्लीज यार प्लीज यार, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ यार, प्लीज समझा करो यार, प्लीज यार प्लीज प्लीज समझा करो यार, प्लीज यार प्लीज देख लो, मैं तुम देखो मैं पैरों में चलता किसी के यार, कर लो यार प्लीज ना यार, मुझे तुम ही चाहिए यार गर्लफ्रेंड, नहीं मुझे यार प्लीज, क्या हो गया अब यार, यार मुझे तुम ही चाहिए, मैंने बोल दिया ना मैं उसे भूल जाऊंगा, मैं अभी भूल जाऊंगा उसको, पागल पागल हो क्या, क्या कुछ भी बोलते रहोगे क्या, क्या हो गया, अभी एक दिन हुआ है मैं मिलती हूँ, तुम्हें प्यार प्यार हो गया, अभी तो तुम उसके प्यार में वैसे पागल हो रहे थे, तो अभी तो तुम मुझे समझा रही थी ना कि यार चुप रहो प्लीज, इरिटेट मत करो, मैं अभी राहुल को कॉल कर रही हूं, कॉल क्यों कर रही हो तुम उनको, उन्हें उन्हें मत करो, एक सेकंड उन्हें क्यों कॉल कर रही, उन्हें क्यों कॉल कर रही, वो आ जाएंगे अभी, सब बताती हूं अभी, तो बता के क्या करोगी, उन्हें कुछ मत बताना, मुझे डांटेंगे, फोन कैसे दिया, मेरा फोन है वो वैसे भी, ठीक है कॉल मत करो, मैं उन्हें बता दूंगा, ठीक है यार समझा करो, और प्लीज मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, तुम समझ जाओ, देखो बहुत मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, मजे करेंगे जिंदगी के, ठीक है, और जब गर्लफ्रेंड बन जाओगे ना तुम्हें यूट्यूबर बना दूंगा बढ़िया, क्योंकि तुम जानते हो ना राहुल के साथ कैसा प्रैंक किया, तुम पे मजा आया था ना, देखो कुछ नहीं करना यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, अरे वो है नहीं यहाँ पे, सुन तो लो अभी रिया, एक सेकंड सुन तो लो, इधर आओ, क्या बताने जा रही हूँ उनको, मैं उनको सारी बात, एक सेकंड यहाँ पे हो, यहाँ पे क्या है ये सीन, पागल हो क्या, अभी तो तुम एक सेकंड, अभी तुम मुझे समझा रही थी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कि मूव ऑन कर लो मेरे अच्छे दोस्त की तरह, अब मैंने तुमसे हेल्प मांगी, तुम मूव ऑन जब तो करूंगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, जब भी तो गर्लफ्रेंड बनोगी, जब तो मेरी गर्लफ्रेंड, जब तो मूव ऑन कर पाऊंगा, और देखो इतनी क्यूट सी हो तुम, कितने मजे करेंगे, और मेरी कितनी क्यूट सी गर्लफ्रेंड होगी, मजा आ जाएगा, तो मतलब अभी कुछ ऐसे हुआ नहीं, ऐसे तो किसी के भी कोई लड़की आएगी उसको प्रपोज कर दोगी, पिया की फ्रेंड आएगी, राहुल की फ्रेंड आएगी, कोई भी ऐसी क्यूट सी लड़की ऐसा प्रपोज कर दो, प्रपोज नहीं कर रहा मैं, ठीक है मैं मजे ले रहा था, उधर कैमरा लगा बहुत देर हो गई, मजे ले से ले तुम्हें, किसी को प्रपोज नहीं कर रहा, देख तो लो अगर हाई तो कर दो एक बारी, राहुल भाई ने बोला था कि हाँ यार एक क्या नाम रिया पे प्रैंक तो बनता है, मैंने ठीक है ट्राई करता हूँ, अच्छा था ना वैसे आइडिया मेरा हो गया गाइस, और यार वो ना मजाक नहीं था सच में दी वो बात, ठीक है अच्छा आज बोल तो दो इनको, बोल तो दो एक बारी, हाँ नहीं नहीं जाना नहीं है, इधर आ जाओ यार, रिया तो गुस्सा हो गई, क्या करना है गाइस, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, और इसके लिए कमेंट करके बता दो कि रिया को मैंने कितना परेशान किया है, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, बाय बाय।